सुशांत सिंह राजपूत के निधन के एक हफ्ते बाद राजस्थान के राजपूत भी अब उन्हें न्याय दिलाने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। फिल्म इंडस्ट्री पर एक दशक से भी ज़्यादा समय से अपने विरोध प्रदर्शन और हिंसक आंदोलनों से खौफ पैदा करने वाली करणी सेना ने इस बार सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लेकर लड़ाई का ऐलान किया है। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने एक वीडियो संदेश में इसकी घोषणा कर दी है। पिछले 16 घंटे में इस वीडियो को 63,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में उन्होंने जल्द ही आगे की प्लानिंग बताने की बात कही है। सुशांत सिंह राजपूत का निधन इसी महीने 14 जून को मुंबई में उनके घर पर हुई थी। उनका शव उनके कमरे में फंदे से लटका मिला था। इस घटना के बाद हर कोई सन्न रह गया था और कुछ लोगों ने सुशांत की मौत को आत्महत्या तो कुछ लोगों ने हत्या करार दिया। फिलहाल मुंबई पुलिस इस मामले में 12 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। महिपाल सिंह ने इस वीडियो में कहा है कि यदि छत्रियों को साथ देंगे तो छत्री आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा राजपूतों के प्रति व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पूरे देश में क्या चल रहा है छत्रियों के खिलाफ। आप देख लीजिए सुशांत सिंह का मुद्दा ज्वलंत है। सुशांत सिंह ने भले ही पद्मावती मुद्दे पर अपना सरनेम यानी कि राजपूत हटा लिया था लेकिन 2 दिन बाद समाज से माफ़ी मांगकर सरनेम लगा भी लिया था। सुशांत ने राजपूत सरनेम नहीं भी लगाया हो तो हमारा भाई था, हम आपस में घर में कैसे भी झगड़े। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया तो यही कि वो जो असमानताएं हैं, यही कि वे जो लोग हैं जिनके चक्कर में सुशांत सिंह ने राजपूत शब्द हटाया उन्हीं लोगों ने उनको मरवा दिया, इतनी टेंशन दे दी। आप देखिए राजपूत के साथ किस तरह का व्यवहार पूरे देश में हो रहा है। राजपूतों को चुन चुन कर जो आगे हैं उनको डिमोरलाइज किया जा रहा है, उनको बाकायदा इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है कि कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई हत्या हो रही है और कोई यहाँ से भाग जा रहा है कि यहाँ से चले जाएं तो ठीक रहे। वहीं मकराना ने कहा कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस देश के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, उनके साथ छुआछूत जैसा बर्ताव किया जा रहा है। उस जाति के लिए इस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा चाहे सुशांत हो, सिंह हो या महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे तो सुशांत सिंह के लिए भी लड़ेंगे और उस हर एक जाति के खिलाफ लड़ेंगे जो हमारे समाज के खिलाफ हो रही हो, हमारे इतिहास के खिलाफ हो रही हो। आने वाले दिनों आपको जल्द बताऊंगा कि हमें क्या करना है। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।